शहरी नक्सलियों से रेड अलर्ट, लेकिन इस रेड अलर्ट से निपटने की तैयारी सरकार की ओर से कर ली गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ताओं को सलाखों के पीछे भेजने की पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र पुलिस ने आज दावा किया है कि उसके पास कई सबूत हैं, जिससे साबित हो जाएगा कि गिरफ्तार आरोपियों के माओवादियों से न केवल संबंध है बल्कि वो खतरनाक साजिश भी रच रहे थे। इधर सरकार की सारी जांच एजेंसियां भी एकजुट होकर गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चक्रव्यूह बना रही हैं। सीपीआई माओवादी की एक कॉन्स्पिरेसी थी, क्योस क्रिएट किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक डाउन किया जाए और उसके द्वारा एस्टेब्लिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए। इस प्रकार का एविडेंस हमको सामने आया, इस प्रकार का डिजाइन सीपीआई माओवादी का था, जो कि अभी कार्डर्स रिसेंटली हमने डिटेन किए थे, अरेस्ट किए थे देश के अलग अलग भागों में, किस प्रकार से वो अंडरग्राउंड मूवमेंट से टच में थे, उनके एजेंडा को फैला रहे थे, लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे थे। लॉफुली एस्टेब्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रकार की जंग छेड़ने का इन्होंने जो माओइस्ट का जो एक गोल है उसमें किस प्रकार से ये लोग योगदान कर रहे थे, उसका पूरा उल्लेख इन डॉक्यूमेंट्स के मार्फत से हमको मिला है। तो महाराष्ट्र पुलिस ने देश में वामपंथी कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई को सही ठहराते हुए एक के बाद एक कई बातें सामने रखी, यानी पुलिस ने संकेत दे दिए कि कोर्ट में वो अपनी तरफ से हर वो सबूत पेश करेगी जिनसे वामपंथी कार्यकर्ताओं को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। दरअसल सरकार के लिए भी अब ये मुद्दा साख से जुड़ गया है, क्योंकि ऐसा आरोप लगाने वाले कम नहीं हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकार ने साजिश के तहत वामपंथी कार्यकर्ताओं को फंसाया है, लेकिन मामला पीएम की हत्या की साजिश से जुड़ा है। तो तमाम जांच एजेंसियां एकजुट हो और वामपंथी कार्यकर्ताओं से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिले सबूतों को पुख्ता कर कोर्ट पहुंचाने की तैयारी हो रही है। अभी तक की जांच में दावा किया गया कि सीपीआई माओ ने अपने ऊपर पाबंदी के बाद छोटे छोटे संगठन बनाए, इन संगठनों को बाकायदा माओवादी फंडिंग कर रहे, गिरफ्तार कार्यकर्ताओं का संपर्क इन संगठनों से था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार नक्सली पोडियम पांडा के बयानों को भी दिल्ली समेत कुछ विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों पर शक और गिरफ्तारी का आधार बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पोडियम पांडा ने अपने कबूलनामे में कहा था कि वह ऐसे शिक्षकों को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर छत्तीसगढ़ के जंगलों में बड़े नक्सली लीडरों के साथ बैठक करने के लिए ले जाया करता था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली मुंबई समेत कुछ विश्वविद्यालयों के आधा दर्जन प्रोफेसर जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। बहरहाल जांच एजेंसियों की कोशिश है कि वो गिरफ्तार आरोपियों के बयानों के अलावा ठोस सबूत कोर्ट में पेश करें। अब देखना यही है कि जांच एजेंसियां जिन्हें ठोस सबूत कहती हैं वो कोर्ट में कितने टिक पाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 6 सितंबर को होगी। तो गिरफ्तार आरोपी सक्रिय माओवादी कार्यकर्ता हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी, ऐसा पुलिस का दावा है। और इस दावे को साबित करने के लिए पुलिस ने आज मीडिया के सामने कुछ चिट्ठियां भी रखी। इस चिट्ठी में मोदी सरकार को घेरने की साजिश, भीमा कोरेगांव हिंसा के जरिए एससी मूवमेंट को देश में फैलाने, जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद और प्रकाश आम्बेडकर जैसे दलित नेताओं की मदद से सरकार गिराने के साथ साथ कांग्रेस से मिलने वाली मदद का भी जिक्र है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस चिट्ठी में दो बार कांग्रेस का भी जिक्र आया है। प्रिय कॉमरेड रोना, पिछले 2 महीने से कॉमरेड मंगलू और दीपू कोरेगांव प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कॉमरेड सुधीर की मदद से हम बड़ी संख्या में एससी वर्ग का भी समर्थन मिला है। कॉमरेड जिग्नेश और उमर हमारी क्रांति के नौजवान लड़ाके हैं। भीमा कोरेगांव का विरोध प्रदर्शन सफल रहा। हिंसा में जिस नौजवान की मौत हुई, हमें भविष्य के लिए उसे प्रोपेगेंडा बनाना चाहिए। कांग्रेस के हमारे दोस्तों ने कहा है कि हमें एससी आंदोलन को और आक्रामक तौर पर बढ़ाना चाहिए। जितना भी पैसा लगेगा वो जिग्नेश के जरिए देने को तैयार है। एससी ब्राह्मण केंद्रित बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है और हमें इसे अराजकता फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहना होगा। इससे 2019 में मोदी सरकार गिराने में मदद मिलेगी, जिसके सबूत गुजरात चुनाव में मिल चुके हैं। कांग्रेस के दोस्तों ने भरोसा दिया है कि वो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स कॉमरेड कोबाड और कॉमरेड साई को छुड़ाने में हमारी मदद करेंगे। पुलिस सूत्रों की माने तो इस चिट्ठी में कॉमरेड जिग्नेश, कॉमरेड उमर और कॉमरेड प्रकाश अम्बेडकर का जिक्र है। ये तीनों और कोई नहीं तो जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद और प्रकाश अम्बेडकर होने का दावा महाराष्ट्र पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस चिट्ठी में प्रकाश अम्बेडकर की तारीफ भी की गई है।
पुलिस इस चिट्ठी की तहकीकात कर रही है और संभव है कि इस मामले में इन तीनों से भी पूछताछ की जाएगी। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से जिस चिट्ठी का जिक्र बार बार किया गया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो चिट्ठी एबीपी न्यूज के पास भी मौजूद है और इस चिट्ठी से ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान की शांति को किस तरह से खतरा है। अब फिलहाल पूरी जांच आगे बढ़ेगी और उसके बाद ही तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाती है कि जो लोग भी इसके आरोपी हैं क्या वो दोषी साबित होते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।